दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10,000 रुपये से नीचे स्मार्टफोन के बारे में, जो कि दोस्तों मैंने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट में दोस्तों आपको 6 फ़ोन देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी कमाल के हैं। और दोस्तों इनमें से कुछ फ़ोन ऐसे भी रहेंगे जिसमें आपको ओवरऑल पैकेज रहेगा, यानी आपको सेल्फी कैमरा भी अच्छा देखने को मिलेगा, बैटरी भी अच्छी देखने को मिल जाएगी, प्रोसेसर भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, दोस्तों कौन सा फ़ोन वो नंबर वन है जो कि आपको 10,000 से नीचे देखने को मिलेगा, तो इसके लिए दोस्तों आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम 6 नंबर से शुरुआत करेंगे और लास्ट में बताएंगे कौन सा फोन नंबर वन पे है। जो 6 नंबर पे दोस्तों फोन है वो है आपका रेडमी का Y3, जो कि दोस्तों इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 9,999 रुपया। इसमें आपको 3 GB रैम 32 GB की मेमोरी मिल जाएगी। इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर मिलेगा और इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। इसमें जो बैक साइड में कैमरा रहेगा वो रहेगा 12+2 MP का बैक कैमरा, और इसमें जो सेल्फी देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 32 MP का। तो कह सकते हैं दोस्तों कि सेल्फी काफ़ी आपको ज़बरदस्त मिल रही है इस फोन में। और दोस्तों इसमें आपको 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगाने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 5 नंबर पर कौन सा फोन है, तो है दोस्तों आपको इन्फिनिक्स का S4, जो कि दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा फोन है। इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 8,999 रुपया। इसमें आपको 3 GB रैम 32 GB मेमोरी मिल जाएगी, और दोस्तों इसमें आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा, जो कि पहला रहेगा 13 MP का, दूसरा रहेगा 8 MP का, और तीसरा रहेगा 2 MP का। अगर फ्रंट में बात करते हैं तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा 32 MP का सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों कैमरा के मामले में ये फोन बहुत ही अच्छा है। प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा मीडिया टेक का Helio P22 प्रोसेसर, और इसमें आपको बैटरी मिल जाएगी 4000 mAh की। और दोस्तों इस फोन में भी आपको 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स S4 भी दोस्तों बहुत ही कमाल का फोन है, इसको आप देख सकते हैं। बात करते हैं अगले फोन की, तो 4th नंबर पे है सैमसंग गैलेक्सी M20। इसका दोस्तों प्राइस आपको पहले अधिक देखने को मिलता था, लेकिन फिलहाल इसका प्राइस आपको 10,000 कर दिया गया है। इसमें भी आपको 3 GB रैम 32 GB मेमोरी मिल जाएगी। बैक साइड में इसमें आपको 13+5 MP का बैक कैमरा मिलेगा, और फ्रंट में इसमें आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसमें जो प्रोसेसर रहेगा एक्जिनोस का 7904 प्रोसेसर रहेगा, और दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा 5000 mAh की बैटरी, साथ में USB टाइप सी भी मिलेगा और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, और इस फोन के साथ में ही आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस फोन में भी आपको 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गैलेक्सी M20 को भी दोस्तों आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं 3rd नंबर की फोन की, तो है आपका रियलमी की तरफ से आने वाला Realme 3। जी दोस्तों ये भी फोन बहुत ही कमाल का है, इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 8,999 रुपया। इसमें आपको 3 GB रैम और 32 GB की मेमोरी मिल जाएगी, और इसके बैक में आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा जो कि रहेगा 13+2 MP का, और फ्रंट में इसमें आपको देखने को मिलेगा 13 MP का सेल्फी कैमरा, साथ में आपको 4230 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। और इसमें जो प्रोसेसर मिल रहा है दोस्तों आपको काफ़ी कमाल का मिल रहा है, जो कि है MediaTek का Helio P70 प्रोसेसर, जो कि बहुत ही पावरफुल भी है। और इसमें भी दोस्तों आपको 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप Realme 3 को भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले फोन की, तो 2nd नंबर पे है आपको Redmi की तरफ से आने वाला Redmi Note 7, जो कि दोस्तों इसका प्राइस रखा गया 9,999 रुपया। इसमें आपको 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी देखने को मिल जाएगी। इसमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर मिलता है, और दोस्तों इसमें आपको बैक साइड में 12+2 MP का बैक कैमरा मिलेगा, और फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 13 MP का सेल्फी कैमरा, बैटरी इसमें आपको देखने को मिलेगा 4000 mAh की, और साथ में आपको USB टाइप सी भी देखने को मिलेगा और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको बैक साइड में और फ्रंट साइड में दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग नोट 7 को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक जितने भी मैंने फोन बताए हैं, किसी में आपको सेल्फी कैमरा अच्छा मिल रहा है, किसी में आपको प्रोसेसर अच्छा मिल रहा है, लेकिन दोस्तों जो मैं फोन बताना जा रहा हूँ उसमें आपको ओवरऑल एक पैकेज मिलेगा, जो कि दोस्तों 1 नंबर पे है, वह है आपका रियलमी की तरफ से आने वाला है Realme U1। जी दोस्तों इसका प्राइस पहले आपको अधिक देखने को मिल रहा था, लेकिन फिलहाल इसका प्राइस हो गया है आपको 10,000 रुपये में फोन देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 3 GB रैम और 32 GB की मेमोरी देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसमें आपको 25 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है। बैक साइड में इसमें आपको 13+2 MP का बैक कैमरा मिलेगा, और इसमें जो प्रोसेसर मिलेगा आपको MediaTek का Helio P70 प्रोसेसर मिल जाएगा। इसमें आपको 35 mAh की बैटरी मिल जाएगी, और दोस्तों इस फोन में भी आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने 1 नंबर पर इसलिए रखा कि इसमें आपको सेल्फी कैमरा भी अच्छा मिल रहा है, इसका जो प्रोसेसर है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि ओवरऑल पैकेज के अनुसार से मैंने इसको 1 नंबर पर रखा हूँ। आपको दोस्तों कौन सा फ़ोन लगा जो कि नंबर वन रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबकी पसंद अलग अलग होती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।